नमस्कार, स्वागत है आपका सामने लाइव न्यूज चैनल में। मैं हूँ दिव्यानी सिंह चौहान। देखेंगे आज की खास खबर। नौगांव देश के सबसे ठंडे 25 शहरों में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश का नौगांव देश के सबसे ठंडे 25 शहरों में शुमार हो गया है। आपको बता दें कि बीती रात्रि नौगांव का सबसे न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री मापा गया है, जिससे नौगांव में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठिठुरन भी पिछले 2 दिनों से लगातार हावी है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बस स्टैंड के रैन बसेरा को भी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। वहीं नगर के कुछ चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी किया गई है, जिससे लोगों को हर संभव मदद की जा सके, ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके और नौगांव का तापमान हर वर्ष माइनस में भी चला जाता है। सर, नौगांव का जो तापमान है आज देश के 25 शहरों में शुमार हो चुका है, 7.5 मिनिमम तापमान आकर गया देर रात्रि। किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की हैं सीएम होने के नाते? हमारे कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय के निर्देश अनुसार जो रैन बसेरा में प्रतिवर्ष लगाया जाता था, तो पूर्व की भांति ही 20 लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है और कोविड के तहत सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते किया गया है। दूसरा, हमारे जगह जगह जो चिन्हित पॉइंट थे, मेन मेन अस्पताल में, बस स्टैंड पर, यहाँ पर अलाव के लिए भी व्यवस्था की गई है और भी जो ऐसे समझ में आ रहा है कि जो आवश्यकता जरूरी है उनको कोविड को देखते हुए सबको किया जाएगा। नौगांव देश के 25 ठंड के शहरों में शुमार हो चुका है। आज का जो देर रात्रि का तापमान है वो 7.5 आ गया है, इसको लेकर किस तरह की ठंड को लेकर तैयारियां की जा रही हैं नगर में? हमारे नगर नौगांव में नगर पालिका द्वारा 20 बिस्तर का रैन बसेरा तैयार किया गया है रात्रिकालीन के लिए और जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है।